नमस्ते फूलों की सुंदरता ने हमेशा से मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित किया है ऐसा ही एक मनमोहक फूल एंथोरियम भी है इसके सुंदर फूलों एवं पत्तियों की वजह से यह डिमांड में रहता है अपनी लॉन्ग लास्टिंग क्वालिटीज या लॉन्गर शेल्फ लाइफ के कारण एंथोरियम पॉपुलर कट फ्लावर है आज के इस लेक्चर में हम एंथोरियम के साइंटिफिक कल्टिवेशन के बारे में जानेंगे एंथोरियम एंथुरीम का साइंटिफिक नेम स्पीशीज है इसकी फैमिली एरिकेसी है और इसका ओरिजिन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका है वर्ड वर्ड ग्रीक के एंथोस एंड ऑरा से मिलकर बना हुआ है एंथोस का मीनिंग है फ्लावर एंड ऑरा का मीनिंग है टेल जो कि इसके स्पैडक्स को रेफर करता है एंथुरियम के फ्लावर में स्पैथी और स्पैडक्स होते हैं स्पैथी मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ है और ये हार्ट शेप की मोस्टली होती है स्पैडिक्स सिलेंड्रिकल एंड फ्लैशी होता है इसमें 150 से 250 सौ हर्माफोटाइट फ्लार्स प्रजेंट होते हैं एंथोरियम प्रोटोगाइनस होता है मतलब इसमें फीमेल पार्ट मेल पार्ट से पहले मैच्योर होती है एक आइडियल एंथोरियम फ्लावर में स्पैथी और स्पैडिक्स के बीच का एंगल 30 डिग्री से कम होना चाहिए नेक्स्ट है एंथोरियम स्पीसीज इसमें पहला है फ्लावरिंग ग्रुप फ्लावरिंग ग्रुप की स्पेशीज एक्सपोर्ट पर्पस के लिए यूज़ करी जाती हैं इसमें पहली है एंथोरियम एंड्रियानम जिसे टेल फ्लावर, ऑयल क्लॉथ फ्लावर, पेंटर्स पैलेट भी कहते हैं नेक्स्ट है एंथूरियम सीजरियानम इसको फ्लैमेंगो फ्लावर और फ्लेम फ्लावर भी कहते हैं नेक्स्ट है फोलीस ग्रुप इसमें एंथोरियम करोगेटम एंथोरियम मैग्निफिकम, एंथोरियम क्रिस्टेलियनम, एंथोरियम स्प्लेंडिडम आते हैं फोलीस ग्रुप मेनली अपने ब्यूटीफुल फोलियस या पत्तियों के लिए जाने जाते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एंथोरियम इसमें पहला है स्टैंडर्ड ये मोस्ट कॉमन टाइप है इसमें हार्ड शेप स्पैथी प्रेजेंट होते हैं इसका साइज 12 से 11 बाय 20 से 18 सेंटीमीटर तक रेंज करता है कलर इसमें रेड ऑरेंज पिंक कोरल वाइट एंड ग्रीन देखने को मिलते हैं इसकी वेराइटीज हैं उजाकी कजोरा नीटा मरियान सीफोड नेक्स्ट है ओबेक टाइप इसमें बाइकलर्ड स्पैथी प्रेजेंट होते हैं बाई कलर पैटर्न में एक ग्रीन कलर होता है और दूसरा कोई मेजर स्पैथी कलर प्रेजेंट होता है इसका साइज एट बाई सेंटी सेवन से ट्वेंटी एट बाई ट्वेंटी थ्री सेंटीमीटर तक वेरी करता है इसकी वैराइटीज़ है कल्पना रेनबो एंड मिक्की माउस नेक्स्ट ट्यूलिप टाइप ऑफ एंथोरियम इसमें अपराइट कप शेप के स्पैथी होते हैं and straight and erect present होता है। स्पैथी मीडियम लेडी क्लैपो एंड लेडी जेंट सॉइल एंड क्लाइमेट एंथोरियम के लिए ग्रोइंग मीडिया लाइट होना चाहिए वेल ड्रेन रिच इन ऑर्गेनिक मैटर आइडियल रहता है एंथुरीियम स्ट्रिकली ट्रॉपिकल प्लांट है इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 18 टू 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और मिनिमम टेम्परेचर 10 टू 13 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए अराउंड 80 परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंथूरियम की ग्रोथ के लिए बेस्ट रहती है एंथूरियम शेड लविंग प्लांट है और इसके ग्रोथ के लिए सेवेंटी टू एटी शेड ऑप्टिमम रहती है नेक्स्ट प्रपोगेशन इसमें पहला है सीड्स जिन प्लांट्स को सीड्स से ग्रो किया जाता है उसमें टू ईयर्स लग जाते हैं फ्लावरिंग आने में टर्मिनल स्टेम कटिंग से भी एंथोरियम को प्रपोगेट किया जा सकता है इसके लिए कटिंग को तीन से चार साल के ओल्ड प्लांट से ही लेना चाहिए नेक्स्ट है सकर्स और डिवीजन ऑफ ऑफ शूट्स प्लांट के बेस में ग्रो होते हैं और जिन प्लांट्स को सकर्स से ग्रो किया जाता है उसमें फ्लावरिंग अर्ली देखने को मिलती है इसके अलावा माइक्रो माइक्रोपोगेशन या टिश्यू कल्चर से भी एंथोरियम को परपोगेट कर सकते हैं इसके लिए लीफ सेगमेंट स्पैटिक्स वेजिटेटिव बर्ड और स्टेम सेक्शन को एक्सप्लांट की तरह यूज़ किया जाता है नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग एंथुरीम फ्लावर को हार्वेस्ट तब करा जाता है जब स्पैथी कम्प्लीटली अनफल हो जाए या फिर कंप्लीटली ओपन हो जाए इसके अलावा स्पैटिक्स वेल डेवलप्ड हो इसके अलावा दूसरा क्राइटेरिया ये है कि स्पैटिक्स में ट्रू फ्लावर्स डेवलप हो जाएं या फिर वन थर्ड फ्लावर्स स्पेडिक्स में मेच्योर हो जाए या थ्री फोर्थ ऑफ द लेंथ ऑफ स्पेडिक्स में कलर चेंज हो जाए हार्वेस्टिंग अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में ही करनी चाहिए फ्लावर को हार्वेस्ट करने के लिए अराउंड टू सेंटीमीटर स्टेम छोड़ के उसे नीचे से कट कर लिया जाता है जनरली सिक्स टू एट मंथ आफ्टर प्लांटिंग फ्लावर्स हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाते हैं एंथोरियम फ्लावर को 13 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में दो से तीन वीक्स के लिए स्टोर किया जा सकता है नेक्स्ट इज पैकेजिंग एंथोरियम फ्लावर को करोगेटेड बॉक्स में पैक किया जाता है 120 ट्वेंटी फ्लावर्स को 102 हंड्रेड टू बाई फोर्टी थ्री बाई ट्वेंटी सेंटीमीटर के बॉक्स में पैक कर सकते हैं इस फ्लावर को वैक्सड टिश्यू या पॉलिथीन से कवर कर लेते हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन में मैकेनिकल इंजरी ना हो नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इसमें पहला है एक्सेस लाइट अगर प्लांट को एक्सेस लाइट में एक्सपोज करेंगे तो लीव्स में ब्लीचिंग और ब्राउन टिप देखने को मिलती है लीव्स में कलर लॉस्ट होना स्टार्ट हो जाता है एंथोरियम शेड लविंग प्लांट है सेवेंटी फाइव टू एटी परसेंट शेड अगर हम एंथोरियम प्लांट को प्रोवाइड करेंगे तो ये प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक क्योर किया जा सकता है नेक्स्ट इज ओवर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजर्स को अगर ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो लोअर लीफ में येलोइंग एंड ब्राउन टिप देखने को मिलती है इसलिए फर्टिलाइजर्स को ऑप्टिमम अमाउंट में ही डालना चाहिए अगला है डिसकलरेशन ऑफ स्पैथी इसमें स्पैथी का कलर लॉस्ट होने लगता है ये मेनली कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होता है सो दिस इज ऑल अबाउट एंथोरियम होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए एंड कीप मोटिवेटिंग मी बाय शेयरिंग माय लेक्चर्स एज मच एज यू कैन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग